आपने इस दुनिया कई अनोखी अनोखी चीजें देखी होंगी जिसे देखने के बाद कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे तो कभी आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती होगी लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर सामने आए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी साथ ही आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है दरअसल यूपी के हरदोई के बावन सी सीएचसी सी पर एक महिला ने एक ऐसे अनोखे बच्चे को जन्म दिया जिसे देखकर डॉक्टर और परिजन बेहद हैरान हैं। बता दें कि हरदोई के हर बावन सी पर एक महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया जिसके 60 प्रतिशत शरीर पर ब्लैकनेस पाया गया है और पाल उगे हुए हैं। जिसके बाद इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, वही सूचना पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम की टीम ने सीएचसी अधीक्षक के नेतृत्व में इस बच्चे को चिन्हित किया है जिसे बताया जा रहा है कि एक प्रकार की बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है वहीं अब बच्चे को इलाज के लिए लखनऊ भेजा जाएगा बावन सी के अधीक्षक और ए सी डॉक्टर पंकज मिश्रा ने कहा है बावन सी में एक महिला प्रसव के लिए भर्ती हुई थी डिलीवरी के बाद पैरामेडिकल स्टाफ और परिजनों ने बच्चे की पीठ से लेकर 60 हिस्से पर ब्लैकनेस देखा जिसे देखकर डॉक्टर और परिजन अचंभित रह गए अधीक्षक ने बताया कि 22 साल के करियर में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावन पर हुआ बच्चा वैसे तो बाकी स्वस्थ है लेकिन उसके शरीर पे लगभग हिस्सा ब्लैक है और बिल्कुल स्किन स्किन जो है हार्ड एंड है हार्ड है और बिल्कुल जानवर जैसी चमड़ी होती उस तरीके की है तो एक्चुअली में ये एक तरीके की बहुत ही रेयर बीमारी है जिसको हम लोग जाइंट कंजेनाइट जाइंट कंजेनाइटल मेलेनोसाइटिक नीवस बोलते हैं मेडिकल भाषा में नीवस का मतलब है मस्सा तो एक तरीके का ऐसा मस्सा जो कि इतना भारी है जिसने लगभग सत्तर परसेंट शरीर को इन्वॉल्व करके रखा है वैसे ये बीमारी से शरीर को कोई दिक्कत नहीं है बच्चा एकदम पूर्णता स्वस्थ है उसको कोई खतरा नहीं है लेकिन एक तरीके की त्वचा का डिफेक्ट है त्वचा का कलर डिफरेंट है इसलिए देखने में अजीब लग रहा है थोड़ा सा लेकिन इससे वैसे बच्चे को कोई जान का खतरा नहीं होता डॉक्टर की माने तो जल्द ही बच्चे को ठीक कर लिया जाएगा क्योंकि ये एक जन्म मस्सा है इससे बच्चे के चांद को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ बस देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है वही डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के माँ बाप को भी बता दिया गया है, है। बाकी ये बच्चा आपको बिल्कुल स्वस्थ है नॉर्मल है और किसी पूजा पाठ और ये सब से करने से कोई मतलब नहीं है ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं है ये तरीके की बीमारी है बीमारी मतलब एक तरीके का डिफेक्ट है बीमारी भी नहीं कहें क्योंकि इससे कोई इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस दिखने में वो अलग है बता दें कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि... कि बच्चे में बस थोड़ा सा डिफेक्ट है बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना ही पूजा पाठ करने की कोई जरूरत है लेकिन यह हिंदुस्तान है बता दें कि बच्चे को दूर दूर से देखने के लिए लोग आ रहे हैं जैसे ही आसपास के इलाके में इस खबर के बारे में लोगों को पता चला है उसके बाद से ही पूरे गाँव में भीड़ सी जमा हो गई है पंजाब के सी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद